तो उन्होंने पूछा कि हॉबी क्या है तो मैं मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे मेमिक्री करता हूँ डरते डरते मैंने बोल दिया क्योंकि कुछ और आता नहीं था तो तुम तो बोला अरे वहाँ मेमिक्री करता है सुना किसकी चीज़ सुना तो मैं ऐसे चालू हो गया और सारे लोग देख रहे बैठ के ये क्या अमिताभ की मीमिक्री कर रहा है नाना पाटेकर की बीमिक्री कर रहा है और वो सब एक्टिंग जो है hmm. वो आईआईटी के बाद आपको एहसास हुआ कि आपको एक्टिंग करना है कि उसके पहले ये कीड़ा था जो आप जिसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे स्कूल टाइम पे ना ऐसा फील होता था कि जब स्टेज पे मैं कोई परफॉर्मेंस देखता था ना लाइक like कोई पोइम गा रहा है या फिर जो अपने जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के टाइम पे जो परफॉर्मेंसेज होते हैं ना डांस तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ बहुत ऐसा एक्साइटमेंट आती थी अंदर से mm -hmm. उनको देख के अच्छा लगता था बट साथ में एक जेलसी फील भी होती थी मैं भी कर सकता हूँ बट मैं कर नहीं पाता था ठीक mm -hmm. है तो तो आई थिंक स्कूल से ये वाला कीड़ा तो था कि परफॉर्म करना है स्टेज पे जाना है ठीक mm -hmm. है थोड़ा स्पॉटलाइट में आना है तो आई थिंक ये कीड़ा था बट एक फियर भी था एक डर भी था आई थिंक स्कूल से था ये वाले ये वाली चीज़ कॉलेज में जाके <coughs> किसी दोस्त ने धक्का दे दिया लाइक like, स्टेज पे कि जा कर ये, 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 ये आईटी के टाइम हां तो आईटी के टाइम पे तो आईटी के टाइम पे हुआ ये था कि आ, पता चला कि कहीं से तो मैं रोबोटिक्स के तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हुँ. तो रोबोटिक्स एक इवेंट था वहाँ पे तो उसके इंटरव्यू के लिए था मैं तो वो बहुत ऐसे फॉर्मल सा होता है तो उन्होंने पूछा ये हॉबी क्या है तो मैं मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे मेमिक्री करता हूँ डरते डरते मैंने बोल दिया क्योंकि कुछ और आता नहीं था तो तो बोला अरे वहाँ मिमिक्री करता है सुना किसी सुना था। तो मै ऐसे चालू हो गया और सारे लोग देख रहे बैठे कि ये क्या अमित आपकी मिमिक्री कर रहा है नाना पाटेकर की मिमिक्री कर रहा है और वो सब वो सब चालू था तो फिर किसी ने बोला कि ऐसे ड्रामेटिक्स के ऑडिशन होंगे कल तो वहाँ पर चले जाना तो गए वहाँ पर तो वहाँ पर सब लोग जाते हैं मतलब पूरा फर्स्ट ईयर बैच फ्रेश बैच पूरा सब लोग पहुँच गए तो एक दोस्त था जो जिसने जो एक दोस्त होते ना ऐसे थोड़े शरारती जो जो तुम्हारे बैच में सबसे पहले सिगरेट पीना शुरू करते हैं <laughs> मारना शुरू करते हैं सबसे पहले दारू पिलाते तुमको <laughs> तो वो वैसा वाला लड़का था <laughs> मेरे बैच में मैं था <laughs> <laughs> तो वो मुझे बोला था कि जाके दे देना तो अच्छा तो करता है तो जाके कर दे और मेरी फटी हुई थी मैंने कहा मैं नहीं जाके <laughs> उसके पहले, पहले आप कभी नहीं गए थे स्टेज पे उससे पहले भाई रामलीला वगैरह मैं देखता था हमारे स्कूल में तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ बट सेवेंथ क्लास में जब हुई तो क्लास में मैं फर्स्ट या सेकेंड रैंक आती थी तो जो ऐसे लड़के होते हैं तो उनको लोग मतलब टीचर्स घुसा भी देते हैं कि अरे तुम रामलीला भी कर लो छुट्टी होने वाली थी रामलीला शुरू होने वाली थी मैं पानी पी रहा था जाके तो मैम ने बोला कि तू चल ताड़का का रोल है तो वो तुझे करना है ताड़का राक्षसनी जो होती है तो उसका मन मुझे मुझ में कहाँ से राक्षसनी दिख गई मतलब सही लगेगा तू तो बेसिकली कोई लड़की थी जो बीमार हो गई थी लास्ट मोमेंट में तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो बोला कि तू कर ले और वो अपने कपड़े वपड़े भी लेके चली गई थी तो मैं मैं बाकी सब लोग अपना पूरा कॉस्ट्यूम्स में थे मैं ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में और ऐसे कुछ पांच-छह रुमाल लेके आई मैम जो मेरी क्लास टीचर थी उन्होंने ऐसे कहीं हाँ एक रुमाल बांधा रुमाल की साड़ी बनाई कैसे कैसे करके और एक ही लाइन थी मेरी कुछ तो और ऐसे बहुत ऐसे फनी लाइन भी नहीं थी आपको याद है हाँ हाँ मतलब ये दो नौजवान और ये बुढ़ा बीमार ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे ऐसा कुछ <laughs> लाइन था ठीक है और मैं लिटरली बहुत फिल्मी सीन था लाइक ड्रामेटिकली जो भागते नहीं है जैसे ही बारी आई मेरी तो मैंने बोला कि मैम मैं नहीं जा सकता और बहुत थोड़ा अजीब भी लग रहा था ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में सब लोग कॉस्ट्यूम में मैं पता नहीं कैसा लगूंगा तो डबल फियर था hmm. तो आई थिंक वो सही हुआ और मैम ने एक्चुअली मुझे धक्का ही दिया कि जा और मैं घुसा स्टेज पे ऐसे और फट से मैंने लाइन बोली एक ही लाइन थी ये दो नौजवान और ये बुढ़ा बीमार ये मेरा क्या पिड़ाएंगे हाँ बहुत जोर से हंसे लोग और फिर तो शाम में जब पूरी रामलीला खत्म हो जाती थी तो प्रिंसिपल सर आते थे और वो पूछते थे कि आज सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी तो सब लोगों ने बोला जी, जीतू की एक्टिंग सबसे अच्छी तो एक लाइन एक से अरे वाह और फिर थोड़ा ये शौक चालू हो गया कि अरे यार तो रोज पार्टिसिपेट करेंगे तो रोज मैं कुछ कुछ करता था और सारे लड़कियों के रोल करता था उसके बाद ऐसे सूप न खा और फिर केकई फाइनली रोल मिला लास्ट जो था विभीषण का

तो हर ग्रुप में ऐसे चार सीनियर खड़े होकर तुम्हारा ऑडिशन ले रहे हैं ठीक है तो वो ऑडिशन ज़्यादा कुछ और ही लग रहा था वो जज कर रहे होंगे बैठ हो जज से ज्यादा कुछ हो रहा था मतलब <laughs> वो कॉमेंटिंग भी कर रहे थे और वो करके भी दिखा रहे थे तुम्हें तो बहुत ऐसे ऑकवर्ड सा सीन था उधर तो वो लोग एक स्क्रिप्ट दे रहे थे एक पेज की और उसको पढ़ के तुम्हें बोलना था उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारी स्क्रिप्ट है वो एक ट्रांसजेंडर की तरह बोलो ठीक है अच्छा करके बताओ तो मैंने वो किया और वो बहुत अच्छा लगा लोग हंस हंस के भाई ये पागल हो गए और कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है फिर बोला गया अच्छा तो फिर वो लोग ट्रिप करने लगे कि इसको अच्छा अमिताभ के स्टाइल में पढ़ो अच्छा इसको इसके स्टाइल में पढ़ो अच्छा अभी इसको डरते हुए पढ़ो तो वो सब बहुत सही से हो रहा था मतलब फ्लो में बहुत मज़ा आ रहा था मुझे भी करने में तो वो हुआ और फिर नेक्स्ट लिस्ट आ गई कि कौन कौन हुआ है सेलेक्ट तो उसमें अपना नाम था और ऐसे कुछ दस दिन का वर्कशॉप प्लान था तो उस वर्कशॉप के दौरान मुझे लगा कि हाँ मतलब इसमें मज़ा आ रहा है यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं और मतलब पढ़ाई में ज्यादा मजा नहीं आता है और इसमें मजा आ रहा है फिलहाल तो तो ये करते हैं कंटिन्यू और फिर एक प्ले था लाइक like प्ले करना था तो आई थिंक दो प्ले हम लोग कर रहे थे एक तो चरण चोर और एक आला अफसर तो आला अफसर का पार्ट था मैं तो आई थिंक चालीस लोग थे हम लोग सोसाइटी में मतलब चालीस फ्रेशी थे वो लोग दो अलग अलग प्लेस के पार्ट थे फिर प्ले हुआ प्ले में लोगों ने तारीफ की कह रहे अच्छी एक्टिंग तो मैं वही बोलता हूँ कि या तो अगर एक्टर बनना है तो बहुत सारे चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अगर तुमने एक बार भी एक्टिंग कर दी तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है तो hmm. तालियों की आदत हाँ हा। मतलब तालियों की आदत तुमने चाहे अच्छा काम किया हो चाहे बुरा काम किया हो कोई ना कोई एक बंदा तो आके बोले गए की है। hmm. और वो फिर चीजें जाती नहीं है दिमाग से सो आई थिंक जितना अच्छा एक्टिंग करके फील हो सकता है किसी को आई डोंट थिंक कि uh, कहीं और वो मिल पा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन